कलेक्टर के यहाँ भी जनसुनवाई में 2-3 बार दे दिया हमने। बीमार हो गया या तो किसी को कुछ हो गया, डिलीवरी हो गया कोई, हाँ। तो यहाँ कुछ साधन हम बुलाते हाँ। तो यहाँ को आ नहीं सकते। दिया था कोई मतलब ये नहीं हुआ, हमने मतलब पंचायत वाले ने उनसे किया नहीं किया हमको नहीं पता। वो जब अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों की गुहार नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने खुद से ही श्रमदान कर सड़क का निर्माण कर दिया। आजादी के 70 साल के बाद भी ये सड़क नहीं बनी है। बैतूल के मलियाठाना गांव के ग्रामीणों ने श्रमदान से सड़क का निर्माण कर प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाया है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विधायक व सांसद से गुहार लगाने के बाद भी जब सड़क नहीं बनाई गई तो इसके बाद ग्रामीणों ने मिलकर इस जर्जर कच्ची सड़क पर श्रमदान कर मिट्टी भराई की और आवागमन बहाल कर दिया। सड़क निर्माण से जुटे ग्रामीणों ने बताया कि सरकार से लेकर जनप्रतिनिधियों तक से सड़क बनाने के लिए कई बार गुहार लगाई, लेकिन हमारी आवाज अनसुनी ही रह गई। आखिरकार श्रमदान से सड़क निर्माण किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां से होकर गुजरने वाली इस सड़क पर बरसात के दिनों में 4 पहिया वाहन तो दूर 2 पहिया वाहन भी निकलना मुश्किल हो जाता है। अमहट गांव से हरनाटान जाने के लिए ये एकमात्र सड़क है जिससे जर्जर हो जाने से आवागमन बाधित हो जाता है। ऐसे में इसे खुद से ही बनाकर आवागमन बहाल करना पड़ता है। हमारी समस्या है रोड का समस्या कि भाई हम जनता से सहयोग करके रोड बना रहे हैं। अच्छा, रोड का समस्या ऐसा है हमारे को कि यहाँ कोई अगर पेशेंट जो डिलीवरी बॉय भी अगर कोई परेशानी रहता है हाँ। तो उसके लिए कोई गाड़ी घोड़ा यहाँ गड्ढे में हमारे गांव है हाँ। यहाँ उतर नहीं सकता एम्बुलेंस। अच्छा, तुम्हारे गांव का नाम क्या है? मलियाढाना। अच्छा, कितने लोगों की बस्ती होंगी यहाँ? करीब जनसंख्या तो क्या मालूम कितना है इतने मालूम, लेकिन 60 मकान के बस्ती है। अच्छा हाँ, आए दिन हादसे होते जा रहे हैं हाँ। अच्छा, तो तुम लोगों ने काम कब से शुरू किया था? ये 2-3 दिन हो गया ये। अच्छा, गांव मदद से कर रहे हैं सब लोग। अभी ये ब्लास्टिंग वगैरह भी किया तो गांव से चंदा कर। अच्छा, सब पैसा तुमको ही वहन करना पड़ रहा है हाँ। पंचायत क्या बोल रही है? पंचायत में दिया था तुम लोगों ने? पंचायत में दिया था कोई ये नहीं हुआ, हमने पंचायत वाले ने उनसे किया नहीं किया हमको नहीं पता। वो पंचायत का अभी तक वो सर्वाइव वर्वाइव हुआ था 17 इसमें 2017 में जी, लेकिन उसका कोई सुनात नहीं हुआ अभी। अच्छा, जनसुनवाई में भी देकर के आ गए? हाँ, कलेक्टर के यहाँ भी जनसुनवाई में 2-3 बार दे दिया हमने। अभी तक के कोई निराकरण नहीं निकला? कोई निराकरण नहीं। आप लोग क्या इच्छा है? रोड बनवाना है बस। समय से कहे जैसे हमको जैसे ये बीमारी बीमारी होते गाँव में हाँ हाँ, तो पेशेंट को ले जाना पड़ता साला 2-4 किलोमीटर। अच्छा, जैसे कैसा भी पैदल वैंदल हाँ हाँ, तो परेशानी यही है हमारा। अच्छा, सबसे मेन परेशानी आपकी रास्ता बन जाए, रास्ता तो प्रशासन से आप क्या चाह रहे हैं कि हमारी रोड बने? हाँ, हमारी रोड बने, ये परेशानी हमको ज्यादा है। ठीक, यही दिक्कत है हमको। ये परेशानी है कि भाई हमारा ये रोड बिल्कुल खराब है हाँ। बरसात दिन में हमको ना कोई बीमार हो गया या तो किसी को कुछ हो गया, डिलीवरी हो गया कोई हाँ। तो यहाँ कुछ साधन हम बुलाते हाँ। तो यहाँ को आ नहीं पाते। अच्छा, रोड खराब की वजह से सब हाँ। लोग बहाना बताते हाँ। तो इसलिए भाई हम गांव में कोई साधन आता नहीं है, आता नहीं है साधन। आपको बता दें कि सड़क का साल 2017 में सर्वे भी हो चुका है, लेकिन ये सर्वे प्रशासन की तरफ से अधर में लटका हुआ है और आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। ग्रामीणों की ये पहल तमाचा है उस सिस्टम पर जो विकास का दावा करते थकता नहीं। आईना है उन सत्ता में बैठे लोगों के लिए जो बड़े बड़े मंचों से अपनी पीठ थपथपाने से भी गुरेज नहीं करते। फिर भी ग्रामीणों को आस है कि किसी नेता या अधिकारी की नजर यहां पड़े और गांव की दशा बदल सके। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।